सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी 7 फरवरी को जैसलमेर में है। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के मुताबिक शादी का यह दिन बहुत ही शुभ है और दोनों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत और पॉजिटिव स्थिति में होने के कारण यह कपल सुखी और वैवाहिक जीवन का आनंद लेगा, यानी कि लंबे समय तक दोनों की शादी चलेगी। शादी के बाद इनके जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन दोनों कपल समझदार होने के कारण उन परेशानियों का डटकर मुकाबला करेंगे और अपने सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा का जन्म 16 जनवरी का है और इस अनुसार उनकी राशि मकर है। वहीं कियारा आडवाणी का जन्मदिन 31 जुलाई का है और उनकी राशि सिंह है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो ग्रहों की अनुकूल स्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि इनका वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्ध होगा। सिद्धार्थ की राशि मकर है और कियारा की जन्म राशि सिंह होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के लिए आदर्श साबित होंगे और शादी के बाद इन दोनों का प्रोफेशनल कैरियर तेजी से आगे बढ़ेगा और बॉलीवुड में एक अच्छा मुकाम हासिल करेगा। सिद्धार्थ और कियारा आडवाणी की शादी एक दूसरे के कैरियर में बहुत अच्छी साबित होने वाली है। शादी के बाद कियारा और सिद्धार्थ का कैरियर बॉलीवुड में तेजी से आगे बढ़ेगा। सिद्धार्थ के लिए सूर्य और गुरु 9वें घर में हैं और उनका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से इसके लिए अनुकूल है। सिद्धार्थ का शुक्र कुंभ राशि और 10वें घर में होने के कारण उन्हें सफल एक्टिंग को जारी रखने में मदद करेगा। कियारा का शुक्र केतु और बुध बहुत ही मजबूत स्थिति में है और एक एक्टर के लिए शुक्र और बुध मजबूत होने बहुत लाभदायक होते हैं। ग्रह और सितारे इन दोनों की कुंडली में बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में हैं। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों मोर्चे पर इनकी किस्मत इनके साथ होगी और बॉलीवुड में इनके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म रोमांचक भविष्य तैयार होगा।